नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। एक्सप्रेस स्पेशल के साथ मैं हूँ रश्मि तिवारी। इंदौर में नगर निगम चौराहे के डिवाइडर, चौराहे और उद्यानों को निजी हाथों में सौंपने की योजना बना रहा है, जिसकी वजह से इनके रखरखाव में समय और पैसा ना लगाना पड़े। और निगम आयुक्त ने सामाजिक संगठनों और नागरिकों के साथ बैठकर इसकी रूपरेखा तय की है। और बैठक में करीब 40 संस्थाएं शामिल हुई हैं, जिन्होंने शहर के विकास में अपनी भागीदारी देने की बात भी की है। चलिए अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं और खबर देखेंगे हम। अगली खबर छत्तीसगढ़ की। भूपेश बघेल कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया है, और जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस कानून को संविधान विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग करेंगे। ये प्रस्ताव अगले महीने से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में इसे रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नागरिकता संशोधन कानून को देश की अखंडता संप्रभुता के खिलाफ बता चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस कानून के खिलाफ सभी ने अवज्ञा आंदोलन किए जाने का ऐलान कर रखा है। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन कानून को प्रस्ताव में लेने का प्रस्ताव आपको बता दें पारित किया है, जिसके बाद सुप्रीम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस कानून को संविधान विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग करेंगे। ये प्रस्ताव अगले महीने से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में इसे रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नागरिकता संशोधन कानून को देश की अखंडता संप्रभुता के खिलाफ पहले ही बता चुके हैं, और पूरे देश में इस बिल के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे हैं। आपको बता दें दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से अगर बात करें तो फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम जगहों पर, तमाम राज्यों में भी अब इस बिल के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। तो भूपेश कैबिनेट ने सीएए के खिलाफ, और इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, किस तरह से देखें इन तमाम चीजों को, क्योंकि सीएए के खिलाफ जिस तरह से पूरे देश में बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर राज्य सरकारें हैं वो भी इस बिल की मुखालफत कर रही हैं, और इसी कड़ी में भूपेश बघेल लगातार इसकी मुखालफत करते आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आने वाला जो विधानसभा का बजट सत्र है वो किस तरह का रहने वाला है? निश्चित तौर पर रस, जैसा कि आपने कहा कि भूपेश बघेल शुरू से ही सीएए के विरोध में खुलकर बयान देते रहे हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वो संसद द्वारा पारित कानून को भी जो है अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। हालांकि टेक्निकली क्या ये संभव है या नहीं, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है, लेकिन सीएए के खिलाफ जमकर आग उगलते रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, आज चूंकि बहुत अच्छा अवसर भी है, आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, और इस मौके पर जो है कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी, गांधी जी को श्रद्धांजलि भी दी गई, और ये कहा गया कि जो गांधी जी के सपनों का भारत था उसके खिलाफ है ये सीए कानून, और इसलिए इस सीए के खिलाफ जो है एक प्रस्ताव कैबिनेट में पारित किया गया, और ये निर्णय लिया गया कि विधानसभा में इसके विरोध में एक प्रस्ताव पारित कराकर। लेकिन मनोज जी, बड़ा सवाल यह है कि अगर हम कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ जो नेता हैं उनकी बात करें, कपिल सिब्बल, वो ये कह चुके हैं कि टेक्निकली तो ये एकदम सरासर गलत है, राज्य सरकारों को इम्प्लीमेंट करना ही होगा, वो मना नहीं कर सकती हैं। कॉन्ट्राडिक्ट तो दिख रहा है, लेकिन अगर उस लिहाज से देखें हम तो उस जिस हिसाब से कपिल सिब्बल ने कहा है कि टेक्निकली तो मतलब राज्य सरकारों को अगर करना इसको मतलब इम्प्लीमेंट करना ही होगा, और अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर देखें तो आप इसकी मुखालफत कर सकते हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं फिर? निश्चित तौर पर तकनीकी तौर पर संभव नहीं है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में ये पारित हो चुका है, और ऐसी स्थिति में ये राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी है कि वो इसको अपने राज्य में लागू करें। लेकिन केवल मनोज जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से स्पोक पर्सन श्री चंद्र सुंदरानी जी भी जुड़ गए हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। सुंदरानी जी, भूपेश कैबिनेट में फैसला लिया है कि जो आने वाला जो विधानसभा सत्र है, जो बजट के लिए जो सत्र लाया जा रहा है, उसमें सीएए की मुखालफत को लेकर
जो बिल है उसको पास करने की कोशिश की जाएगी। इस पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। इसी दौरान रविंद्र चौबे ने क्या कुछ कहा है, छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री हैं, ये जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसके बाद, पहले वो सुन लेते हैं फिर आपसे मैं रिएक्शन लूंगी। नागरिकता संशोधन जो कानून अभी आ रहा है, एक्ट आ रहा है, उसमें भी अगर हमको साबित करना पड़े हम यहाँ के नागरिक हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में 43% भूभाग फॉरेस्ट एरिया में है, हमारे 32% आबादी अनुसूचित जनजाति की है और 13% आबादी अनुसूचित जाति की है। आज भी छत्तीसगढ़ में अगर दो पीढ़ी के पहले का सर्टिफिकेशन के बारे में आप जानकारी लेंगे तो 80-85% लोग इससे बाहर हो जाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ अभी 4-5 राज्यों में हो गया है, आप देखिएगा धीरे धीरे देश में इसके विरोध में सड़कों पे नौजवान उतर गए हैं। इस कानून को वापस लेना ही होगा। सुंदरानी जी, आपने सुना होगा रविंद्र चौबे जी बाइट, उन्होंने उनकी बाइट आप सुन रहे थे। अब आपसे रिएक्शन चाहूंगी मेरे सवाल का भी और रविंद्र चौबे जी का भी। एनआरसी के बारे में जैसा वो कह रहे हैं, एनआरसी तो आ ही नहीं रहा है। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि एनआरसी हम नहीं ला रहे हैं। सीएए के बारे में वो बात कर रहे हैं जो इनके सीमा में है नहीं, संसद ने पास कर दिया, दोनों सदनों ने पास कर दिया है। ये अनिवार्यता होती है लागू करने की, ये सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि विरोध विरोध की बात भी बिल्कुल औचित्यहीन है। लेकिन सुंदरानी जी, ये नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए 4 हफ्ते का वक्त दिया है और 4 हफ्ते में जो भी दावे और आपत्तियां हैं उनको मंगाया गया है। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए सुंदरानी जी। फिर अगर कहीं जब पूरे देश में मांग हो रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, न्यायपालिका का सम्मान करेंगे, जो फैसला आएगा न्यायपालिका जो देगी, हम सर्वोच्च न्यायालय है वो देश का, हम उसका सम्मान करेंगे। सुंदरानी जी बने रहिए, क्योंकि इस वक्त हमको फोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है शैलेश नितिन त्रिवेदी, कांग्रेस से स्पोक पर्सन है, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। त्रिवेदी जी बहुत स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लगता है संपर्क नहीं हो पाया। सुंदरानी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। किसी की भी नागरिकता हम छीन नहीं रहे हैं, किसी के नागरिकता पे हम कोई प्रमाण नहीं मांग रहे। जो नागरिकता जिसके पास है उसके पास रहेगी। जो लोग पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक भूमिका में है उनके लिए ये कानून बनाया गया है। ठीक है, लेकिन सुंदरानी जी देश का बेरोजगार कह रहा है कि, और देश के अल्पसंख्यक भी कह रहे हैं कि भाई पहले हमारे बारे में तो सोचिए आप। बहुसंख्यक भी यही चीज कह रहे हैं कि पहले आप हमारे बारे में सोचिए, पहले हमें आप रोजी रोटी दीजिए। आप इस तरह के बिल ला रहे हैं, आप जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर इस तरह से जो तमाम देशों की आप बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, अफगानिस्तान का जिक्र आपने कर दिया है, आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया है कि भाई यहाँ से हम जो अल्पसंख्यक है उनको लाएंगे। अगर हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं तो 3 अरब से ज्यादा की आबादी है, कहाँ रखेंगे सर इनको? कहाँ 3 अरब की आबादी है? 3 अरब से ज्यादा की आबादी निकलती है अगर पूरा हम एक कैलकुलेशन निकालेंगे तो। इतने लोग निकलते हैं कि अगर ये अल्पसंख्यक सभी आ जाएंगे तो फिर भारत में कहाँ रहेंगे सर? 1-2 लाख से ऊपर नहीं आएंगे सब। छत्तीसगढ़ में 500 आवेदन पेंडिंग है सर। मैं आपको ये बता रही हूँ जिस तरह से आप दूसरे देशों से अल्पसंख्यकों को लाने की कोशिश में ये जो बिल लाया जा रहा है, मैं इसको लेके कह रही हूँ कि अगर आप एक कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसके बाद जो अप्लाई करेंगे कि नहीं भाई हम नागरिकता संशोधन बिल के तहत हम भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो सर जो एक कैलकुलेशन निकल के आया वो 3 अरब से ज्यादा का है। इतने लोगों को आप दूसरे देशों से लाके आप कहाँ पे इनको बसाएंगे? मैं इस बात का और इस सवाल का जवाब आपसे चाह रही हूँ। ये किसने फिगर दे दी आपको 3 अरब? लाखों में। टाइम्स ऑफ इंडिया की आप रिपोर्ट पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़िए सर, आपको पता चल जाएगा कि फिगर क्या है। डेली तमाम न्यूज चैनल, न्यूज पेपर इन तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं। आप उन चीजों के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहे हैं जो वाकई में रियलवेंट मुद्दे हैं। लेकिन ठीक है, चलिए आपने अपना पक्ष रखा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।